यूजर लॉगिन ट्यूटोरियल के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। यहाँ हम सेशन बनाएंगे जिसमें यूजर पेज एंटर कर सकता है तथा वे जब तक लॉगिन है तब तक वे पेज पर कार्य कर सकते हैं। किसी भी सेशन को शुरू करने के लिए हमें एक फंक्शन की आवश्यकता होगी जो है स्टार्ट सेशन। यह स्टार्ट सेशन है या सेशन स्टार्ट। इसे तुरंत जांचें। सही, एक एरर, अतः यह सेशन स्टार्ट होना चाहिए। माफ कीजिए, मैं यहाँ थोड़ा उलझन में था। सेशन स्टार्ट, अच्छा, अतः रिफ्रेश करें, रिसेंड करें और यह दिखाएगा यू आर इन। हमने सेशन शुरू कर दिया है और यह एक सेशन वेरिएबल जोड़ देता है, अतः यू आर इन। इसके बाद मैं लिखूंगा क्लिक हियर टू एंटर द सीक्रेट, नहीं द मेंबर पेज, अच्छा, और यह member.php नामक पेज के लिए लिंक बन जाता है। संक्षेप में, यदि हम सही डेटा भेजते हैं, हम लिखने जा रहे हैं क्लिक हियर टू एंटर द मेंबर पेज, जिसे हमने अभी तक नहीं बनाया। मैं यहाँ आपको याद दिलाता हूँ कि हमने यहाँ अपना सेशन स्टार्ट बनाया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम सेशन बनाने जा रहे हैं और यह करने के लिए मैं शुरू करता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ डॉलर चिन्ह अंडरस्कोर सेशन और फिर कोष्ठकों में, स्क्वायर कोष्ठकों में हम इसे सेशन नाम दे देंगे। मैं इसे यूजर नेम कहूँगा और वह हमारे यूजरनेम के समान होगा। मेरे ख्याल से मैं लिखूंगा डीबी यूजरनेम क्योंकि वह डेटाबेस से सीधी वैल्यू है। हमारे पास अपना सेशन सेट है। जब तक यूजर खुद के ब्राउजर में हैं, न कि जो ब्राउजर हम उन्हें देते हैं, फिर जब हम किसी भी पेज में अपना सेशन एको करते हैं यह सेशन के रूप में सेट होगा। इसको प्रमाणित करने के लिए मैं एक नया पेज बनाऊंगा। यह member.php पेज होगा, अतः मैं इसे member.php के रूप में सेव करूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा एको और मैं यूजर नेम सेशन एको करूंगा। वास्तव में मैं शुरुआत में वेलकम और अंत में इसको अधिक सूचक बनाने के लिए एक विस्मयादिबोधक चिन्ह जोड़ता हूँ। जब तक हम लॉगिन हैं, यह इस कमांड को यहाँ रन करना चाहिए। हमारे द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य पेज पर अपने यूजर नेम के लिए अपने ब्राउजर में अपने सेशन को सेट करें। यदि यहाँ पर कोई अन्य पेज है और आप सेट करने के लिए इस कोड का उपयोग करते हैं, यह कार्य करेगा। आपको जरूर यहाँ इस फंक्शन की आवश्यकता होगी। अतः आपको प्रत्येक पेज में सेशन स्टार्ट की आवश्यकता है जिसे आपने सेशन में बनाया या घोषित किया है। यहाँ हम रिस्टार्ट करते हैं, मुख्य पेज पर वापस चलते हैं। मैं एलेक्स और एबीसी के साथ लॉगिन करूंगा। लॉगिन क्लिक करें, यू आर इन, क्लिक हियर टू एंटर द मेंबर पेज। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कोई एरर नहीं है। मैंने मेरा सेशन सफलतापूर्वक बना दिया है। यदि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, हमें वेलकम मिलता है। हमें केवल वही मिला। देखते हैं क्या हुआ। वापस चलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या गलत किया। यह यूजर नेम होना चाहिए। मैं यहाँ कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ डबल इक्वल टू चिन्ह डाला जो कि गलत हो सकता है। अब यह कार्य करना चाहिए। अपने इंडेक्स पेज पर वापस जाते हैं और फिर से लॉगिन करते हैं जैसा हमने पहले किया। लॉगिन, ओके, यह दिखाएगा यू आर इन, क्लिक हियर टू एंटर द मेंबर पेज। यहाँ क्लिक करें और यह दिखाएगा वेलकम एलेक्स। अब मैं वापस लॉगिन पेज पर जाऊंगा। अधिकतर लोग सोचे हैं कि सभी डेटा खो गए हैं। यदि मैं वापस मेंबर पेज पर जाता हूं, जो कि member.php है और एंटर प्रेस करता हूं, यह अभी भी एलेक्स दिखाता है। और यदि कुछ सेकंड के बाद मैं अपना ब्राउजर बंद करता हूं और इसे फिर खोलता हूं और मैं लोकल होस्ट PHP एकेडमी पर जाता हूं, फिर मेरे पेज पर वापस आता हूं जो कि लॉगिन सेशन है, और वापस मेरे मेंबर पेज पर आता हूँ
तो मैं अभी भी लॉगिन हूँ। अतः मेरा यूजर लॉगिन है। यदि मैं ब्राउजर बंद करता हूँ, मैं अभी भी लॉगिन हूँ जब मैं वापस एंटर करता हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है। यदि आप इस प्रकार से लॉगिन कर रहे हैं, अधिकतर वेबसाइट्स आपको लॉगिन रखने के लिए ऐसा करती हैं। लेकिन अब मैं लॉगआउट पेज बनाना चाहता हूँ। लॉगआउट करने के लिए हमें एक अलग पेज बनाने की आवश्यकता है और इसे logout.php के रूप में सेव करें। और हमें यहाँ अपना सेशन समाप्त करने की आवश्यकता है। सबसे पहले अपने सेशन को समाप्त करने से पहले हमें इसे शुरू करने की आवश्यकता है। अतः मैं यहाँ सेशन स्टार्ट टाइप करूँगा। मैं एक बार इसे निश्चित कर लेता हूँ। अच्छा, और फिर हमें सेशन डिस्ट्रॉय लिखने की आवश्यकता है। माफ कीजिए, सेस्ट्रॉय नहीं डिस्ट्रॉय। यदि इस पेज को हम यहाँ रन करते हैं, यह हमारे सेशन को समाप्त कर देगा। यहाँ मैं एक अनुकूल एरर मैसेज यू हैव बीन लॉग्ड आउट क्लिक हियर टू रिटर्न टाइप कर सकता हूँ। चलिए मैं वापस अपने index.php पेज पर एक लिंक बनाता हूँ। अब मैं इसे फिर से जांचूंगा। उदाहरण स्वरूप, यहाँ एक ब्रेक डालें। यहाँ मैं लॉगआउट के लिए एक लिंक बनाऊंगा। यूजर को अपने logout.php पेज पर लिंक देना महत्वपूर्ण है, अन्यथा वे नहीं जान पाएंगे कि लॉगआउट कैसे करें। हम इसे रिफ्रेश करते हैं और यह PHP पेज से लॉगआउट होने के लिए लॉगआउट लिंक बनाएगा। इस पर क्लिक करें और आपको यू हैव बीन लॉग्ड आउट क्लिक हियर टू रिटर्न मिलता है। मुझे लगता है कि हम लॉगआउट हो गए हैं। अपने मेंबर पेज .php पर वापस जाने की कोशिश करें। हमें यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं मिला। अब आप नहीं चाहते हैं कि इस पेज पर यूजर एक्सेस करे, क्योंकि वे अब लॉगिन नहीं हैं। अतः यहाँ मैं लिखूंगा सेशन स्टार्ट, फिर मैं लिखूंगा इफ सेशन और सेशन नेम जो कि यूजर नेम है। आगे मैं वेलकम लिखकर अपना डेटा एको करूंगा। एल्स मैं लिखूंगा डाई। मैं अपने पेज को समाप्त करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा यू मस्ट बी लॉग्ड इन। हम मान रहे हैं कि यदि यह सेशन मौजूद है या यदि यह सही यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके बनाया गया है, हम अपने वेलकम नामक अनुकूल मैसेज को एको कर सकते हैं, अन्यथा पेज समाप्त कर सकते हैं और लिख सकते हैं यू मस्ट बी लॉग्ड इन। अतः यह सब ट्यूटोरियल के इस भाग में है। मैं आपके लिए इसे संक्षेप में बताता हूँ। याद रखिए, मैं लॉगिन नहीं हूँ तो मैं लॉगिन करता हूँ। मैं लॉगिन हूँ, यहाँ मेरा मेंबर पेज है, मैं लॉगआउट कर सकता हूँ। मैं यहाँ वापस आता हूँ। अब जैसा कि हमने member.php पेज बना दिया है, एंटर प्रेस करें। यह दिखाता है यू मस्ट बी लॉग्ड इन। अतः उदाहरण स्वरूप, मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसके लिए यहाँ क्लिक नहीं करूँगा। मैं अपने आप को member.php पर फॉरवर्ड करूँगा। मैसेज बन गया है और मुझे एक्सेस की अनुमति दी गई है। अच्छा, तो अभी के लिए इतना ही। यह इस ट्यूटोरियल का आखिरी भाग है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है, मुझे मदद करने में खुशी होगी। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।